नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना वायरस के नए केसों में बुधवार को 44 फीसदी का उछाल देखने को मिला। एक ही दिन में 9,195 नए केस मिले हैं, जबकि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 7,347 हो गई है। इसके चलते एक्टिव केस की संख्या 77,000 से ज्यादा हो गई है। यही नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से बढ़ते हुए 781 तक पहुंच गया है। IIT कानपुर की स्टडी में कहा गया है कि भारत में तीसरी लहर का पीक 3 फरवरी 2022 को आएगा। इस अनुमान के मुताबिक 15 दिसंबर से केसों में तेजी शुरू होकर फरवरी तक जारी रहेगा, जिसके बाद गिरावट देखने को मिल सकती है। सिक्किम में सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। इस नई बनी सड़क का गवर्नर गंगा प्रसाद ने आधिकारिक उद्घाटन किया है। नाथुला बॉर्डर को गंगटोक से जोड़ने वाले पुराने रूट का नाम देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। अधिकारियों ने कहा है कि करीब 19.51 किलोमीटर लंबा रोड एक साल से यात्रियों के लिए चालू है, लेकिन अब गवर्नर की तरफ से इसका ऑफिशियली उद्घाटन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने नए संगठन के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा के बाद अब सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को कहा है कि सीटों के बंटवारे पर फैसला जीत के मापदंड पर एक या दो दिन किया जाएगा। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस के छापों के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब DGGI टीम के साथ मौजूद रहे एक अधिकारी चश्मदीद ने दावा किया है कि पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर में जमीन के नीचे बनाए गए दो बंकरों से भी कैश की बरामदगी हुई है। 5 दिन के रेड में DGGI टीम के साथ रहे अमित दुबे ने कहा है कि बहुत मुश्किल के बाद जमीन के नीचे बने दो बंकरों से कैश बरामद किया गया था। सीएम योगी ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में काम करने वाले रसोइयों और अनुदेशकों को बड़ी सौगात दी है। आज लखनऊ में आयोजित रसोइयों और अनुदेशकों के सम्मेलन में उनके लिए बढ़े हुए मानदेय का ऐलान किया है। अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाया गया है, जबकि रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रसोइयों को साल में 2 साड़ियां भी मिलेंगी। इसके अलावा हर रसोइये को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बीच अपनी गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए लिखा था कि तवांग के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई और पर्यटक यहां की उचित जानकारी लेने के बाद ही जाएं। उनके इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए आशीष सिंह भी नामक यूजर ने लिखा, सर कुछ भी हो, मैंने अरुणाचल प्रदेश के लिए अपने टिकट को पहले ही बुक कर लिया है, कोई पाबंदी मत लगाएगा। किरेन रिजिजू ने लिखा कि चिंता मत करो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बुधवार को मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए FCRA पंजीकरण को नवीनीकृत करने से सरकार के इनकार का हवाला देते हुए दावा किया है कि मुसलमानों के बाद ईसाई हिंदुत्व ब्रिगेड का नया लक्ष्य बन रहे हैं। चिदम्बरम, जो कि गोवा के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक है, उन्होंने यह दावा किया है कि मुख्यधारा के मीडिया ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी से संबंधित गृह मंत्रालय की कार्रवाई की खबर को अपने पृष्ठों से हटा दिया। उन्होंने इसे दुखद और शर्मनाक करार दिया। नरेंद्र मोदी सरकार के उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय एयरलाइंस और हवाई अड्डा संचालकों को पत्र लिखकर उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अनुरोध का हवाला देते हुए उड़ानों और हवाई अड्डों पर भारतीय संगीत बजाने की सलाह दी है। ICCR ने कुछ दिनों पहले सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था, अपने अपने देशों में अपने अपने देश का संगीत बजाने वाली अन्य एयरलाइंस का उदाहरण देते हुए मंत्रालय ने भारतीय एयरलाइंस को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी एयरलाइंस में जैज और ऑस्ट्रेलिया एयरलाइंस में मोजार्ट बजाए जाते हैं। यूरोप के देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस के व्यापक प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जूझ रहे हैं। वहीं भारत सरकार की तैयारियों के कारण नया वेरिएंट कुछ खास प्रकोप छोड़ने के अब तक नाकाम रहा है। भारत ने एक ही दिन में 2 और कोविड टीके और एंटीवायरल दवा को भी मंजूरी दे दी है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों को देश भर में टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने में मदद मिली है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और हिमालय की गोद में बसे छोटे से सिक्किम राज्य में बुधवार सुबह से भारी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से जगह जगह पर्यटकों के वाहन फंस गए हैं। ऊपरी सिक्किम के लाचुंगी और दार्जिलिंग के सड़ंगफू, फालतू टाइगर हिल और धूम, इसके अलावा आलूबाड़ी जैसे इलाके बर्फ की मोटी चादरों से ढक गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में हिमपात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस नए वायरस के कुल मामले 750 के पार हो गए हैं। हालांकि इसकी रिकवरी राहत देने वाली है। आपको बता दें कि देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक टीके की 143.15 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।
NEET PG काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र याचिका दायर की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा किए गए विरोध के संबंध में पत्र याचिका दायर की है, जिसका नेतृत्व फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अब पिरामिड योजनाएं नहीं चला सकेंगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ऐसी कंपनियों के लिए नए नियम अधिसूचित करते हुए उन्हें नकद प्रसार योजनाओं को भी बढ़ावा देने से रोक दिया है। एमवे, टपरवेयर और ओरिफ्लेम जैसे कंपनियों को अब 90 दिनों के भीतर नए नियमों का अनुपालन करना होगा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने विक्रेताओं द्वारा बचे गए उत्पादों और सेवाओं को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए भी जवाबदेह बनाया जाएगा। देश में कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज लेने वाले 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया है कि प्रिकॉशन डोज लेने के लिए 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को अपनी गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ने बताया है कि प्रिकॉशन डोज लेते समय डॉक्टर से कोमोर्बिडिटीज सर्टिफिकेट दिखाने या फिर जमा करने की जरूरत नहीं है। चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी इंटेल ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का अपना इरादा जाहिर कर दिया है। इंटेल भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की योजना बना रही है और इस बात के संकेत इंटेल के फाउंड्री सर्विस प्रेसिडेंट रणधीर ठाकुर ने अपने ट्वीट में दिया है। मंगलवार को ठाकुर ने अपने ट्वीट में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को सेमीकंडक्टर डिजाइन से नए मैन्युफैक्चरिंग तक के लिए प्रोत्साहन की घोषणा पर बधाई दी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में भारत सरकार के प्रयास पर खुशी जाहिर की है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है। देशभर में टीकाकरण प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वहीं वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना के टीके कोवोवैक्स को मंजूरी के खास प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत और दुनिया के निम्न और मध्यम आयु वर्ग के विभिन्न देशों के टीकाकरण प्रयासों को मजबूती मिलेगी। भारतीय सेना की जरूरत को पूरा करने और अन्य देशों को निर्यात के लिए 5 भारतीय कंपनियां सैन्य ग्रेड के अत्यधिक ठंड के मौसम के कपड़ों की प्रणाली यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम का उत्पादन करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इन 5 कंपनियों को इसकी तकनीकी सौंप दी है। 3 लेयर वाले एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम को 15 डिग्री सेंटीग्रेड और -50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान में थर्मल इंश्योरेंस प्रदान करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। 4 दिसंबर को जारी हुई अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव VS जामोद ने कहा है कि आयोग ने यह फैसला किया है कि 4 दिसंबर से जो पंचायत चुनाव घोषित हुए थे वो प्रक्रिया निरस्त की जाए। जिन अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पेपर के साथ निक्षेप राशि जमा की है वो सभी अपने निक्षेप राशि वापस प्राप्त करने के हकदार है। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं तक भारतीय सैनिकों की जल्द से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सीमा सड़क संगठन ने 24 पुलों और 3 सड़कों का निर्माण किया है। इन पुलों और सड़कों का निर्माण 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दिल्ली से इन बुनियादी ढांचों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। जानलेवा वायरस कोरोना एक बार फिर से फिल्म जगत में अपने पैर पसार रहा है। कई बॉलीवुड स्टार्स को कोरोना होने के बाद अब एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। बता दें कि हाल ही में अर्जुन और मलाइका अरोड़ा को करिश्मा कपूर की क्रिसमस पार्टी में साथ देखा गया था। ऐसे में मलाइका अरोड़ा का भी कोरोना टेस्ट होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। बुधवार को इसका असर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड पर दिखा। मेट्रो तो तय नियम के मुताबिक सीमित संख्या में यात्रियों को लेकर दौड़ती रही, मगर पाबंदियों के कारण मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लाइन लगी रही। DMRC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने मंगलवार शाम को ही एक बयान जारी कर मेट्रो में सफर के नए नियम के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एंट्री गेट पर ही यात्रियों को रेगुलेट किया जाएगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और बेटों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर पूरक आरोप पत्र 7,000 पन्नों का है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा है। ईडी ने CBI द्वारा 21 अप्रैल को MCP नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के विरुद्ध जांच शुरू करने की बात कही थी। भड़काऊ और विवाद बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने अब अपने पिता का भी नाम बदल दिया है। हरिद्वार थाना अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में वसीम रिजवी ने अपने आप को राजेश्वर दयाल त्यागी का पुत्र बताया है। रिजवी का लिखा गया यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है, उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बातचीत के बाद आरडीएस संगठनों की बैठक हुई है, इसमें स्ट्राइक को जारी रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन स्ट्राइक को समर्थन अभी भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को गुजरात से अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में 49.36 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते देखे गए। यह कार्यक्रम दोपहर 1:20 पर हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 49.36 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दहशत पैदा कर दी है। इसी बीच एक राहत वाली खबर सामने आई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के उन क्षेत्रों को टारगेट कर बेअसर कर देता है जो आमतौर पर अपरिवर्तित रहता है। इस दौरान वायरस म्यूटेट हो रहा है। नेचर जनरल प्रकाशित रिसर्च से वैक्सीन और एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को डिजाइन करने में मदद मिल सकती है। ये वैक्सीन और एंटीबॉडी न केवल ओमिक्रॉन बल्कि भविष्य में उभरने वाले अन्य वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी होंगे। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने सावधानियां बरतनी शुरू कर दी है और कई नाइट कर्फ्यू लेकर तमाम कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन पर बैठक की, साथ ही साथ कमजोर वर्गो के लिए एहतियाती तीसरी खुराक की समीक्षा की गई है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 781 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में है जिसकी संख्या 238 है। इसके बाद महाराष्ट्र 167, गुजरात 73, केरला 65, तेलंगाना 62, राजस्थान 46, कर्नाटक 34, तमिलनाडु 34 और हरियाणा में 12 है। मणिपुर सरकार में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर और नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता लेट पाव हाकिम ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्हें मणिपुर के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सदस्यता दिलवाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र और मणिपुर का विकास होगा। देश में 10 जनवरी से कोमॉर्बिडिटी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगेगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि डोज लेने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कोमॉर्बिडिटी के अंदर वो लोग आते हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। जर्मनी ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले फैलने से रोकने के लिए टीका प्राप्त और स्वस्थ लोगों के लिए देश भर में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जर्मनी ने मंगलवार को कोरोना प्रतिबंधों की घोषणा की है। टीका लगाए गए और ठीक हो चुके लोगों की निजी सभाएं 10 लोगों तक सीमित कर दी गई है, जबकि गैर टीकाकरण वाले लोग प्रति परिवार 2 अन्य बाहरी लोगों के साथ मिल सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अर्जुन कुमार, पूजा कुमारी, कुंदन साजवान, राम सगुन दास, रानी कुमारी, मनीषा कश्यप, वैद्यनाथ ठाकुर, हुमा फातिमा, राधा रानी, सरोज कुमार, रमन कुमार गुप्ता, प्रेमचंद्र प्रसाद, मोहम्मद मिराज आलम, संग्राम कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच क्या आपके आसपास के लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।